हार जाएगा जे यूसो रोमन के हाथों, या देगा जे यूसो ईंट का जवाब पत्थर से। कौन होगा जो देगा धोखा? क्या वो सोलो सिकवा होंगे या जिमी यूसो? आए जानते हैं आज की मजेदार वीडियो में। WWE के सारे फैन जानते हैं जो लास्ट स्मैकडाउन में हुआ, और अब जब समर स्लैम के होने में टाइम कम होता जा रहा है, हर किसी के अंदर ये क्यूरियोसिटी भरती जा रही है कि क्या परिणाम होंगे इस युद्ध के, जो होगा जे यूसो और रोमन रेंस के बीच। अगर कंपैटिबिलिटीज को देखा जाए तो नो डाउट रोमन की जीत पक्की है, मगर अक्सर हमने देखा है जिसे हम कुछ नहीं समझते वही कुछ बड़ा करके सबको हैरान कर देता है। कहीं रोमन और जे यूसो के मैटर में भी यही ना हो कि जे यूसो रोमन को छठी का दूध याद दिला दें। ये बात तो पक्की हो चुकी है कि सोलो सिकवा और रोमन के बीच जो वफादारी का रिश्ता था वो तार तार हो चुका है, जिसे खराब किसी और ने नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ ने खुद किया है। सोलो सिकवा भूखे तेंदुए की तरह अपना बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक होगा कि कब जे यूसो और रोमन समर स्लैम में फेस टू फेस आए और मैं रोमन की बैंड बजाऊं। रोमन और जे के बीच होने वाले मैच में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने वाली, जिसका मतलब सोलो सिकवा को अब किसी चीज का डर नहीं। वो जैसे चाहे मैच में इंटरफेयर कर सकता है और जैसे चाहे रोमन का तबला बजा सकता है। सोलो सिकवा मौके की तलाश में है कि कब वो रोमन को मार मार के उसकी खोपड़ी को सही जगह पर लाएगा। आशंका ये भी है कि जिमी रिटर्न करे और वो जे यूसो को इस बात पर धोखा दे कि मैं हॉस्पिटल गया, तुमने मेरा खून बेच दिया और मेरी पीठ पीछे रोमन से गले लग रहे हो, और सोलो सिकवा बेचारे को अकेला देख के मरी जा रहे हो। चांसेस तो ये भी हैं सोलो सिकवा और जिमी यूसो दोनों गैंग अप हो जाएं और मिलके जे यूसो और रोमन पर ढाबा बोल दें, जिससे कोई एक ज्यादा इंजर्ड हो जाए और मैच का कोई रिजल्ट ना निकले। आज के लिए इतना ही, तो आप कमेंट करके लाजमी बताइए कि सोलो सिकवा और जिमी यूसो में से कौन होगा जो धोखा देगा।